ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం we didn't get any answer. In fact, no reply was given to us. Pegasus is an attempt to crush Indian democracy. It's an attempt to make sure that the vibrancy of the democracy, the conversation that takes place in a democracy, are crushed and people are controlled. So it's a big step that the Supreme Court has said that they're going to look into this matter. I'm confident that we will get the truth out of this. So if you have any questions, Hindi, sorry. पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था. पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है, और हमने तीन सवाल पूछे थे. पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है, पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है. और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया. दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे, क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है. तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था. और आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास. जवाब नहीं मिला, हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका. उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं. हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है, और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है. अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए. We'll start with you, PTI. Well, of course, this is now going to be looked at by the court. But as I said, central institutions of this country were attacked by Pegasus. We all know that that's not the only attack that is taking place. There are many different ways in which the idea of India is being attacked. Pegasus is, of course, a particularly nasty and subversive way of doing it. It is a way basically to control the politics of the country, to frighten people, to blackmail them into not doing what they're supposed to do, right? Not allowing the democratic process to work. For us, we are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again, and we will try to have a debate in Parliament. I am pretty sure the BJP would not like that debate, so they will make sure that that debate is stalled, but we will try to hold that debate. And then we will tell the people of India that the idea of India is being attacked. Thank you, Siddharth from ANI. But now it is in the court ka matter hai, to wo inquiry ho rahi hai. बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो. और देखिए ये पेगासस जो है
ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की विवू हमने हम सुनना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है। क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस। तो वी वुड लाइक टू नो व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एन इलीगल एक्ट। ही इज नॉट अबव द नेशन, ही इज नॉट अबव द इंस्टीट्यूशंस। Did was this information that was coming, जो ये Pegasus से जो data मिल रहा था, इसमें chief ministers थे, former prime ministers थे, क्या ये जो data आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था, ये क्या home minister को दिया जा रहा था, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस, सो वी विल फॉलो दैट आल्सो। थैंक यू। वन सेकेंड, लेट मी गो टू सुनील फर्स्ट एंड आई विल कम फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चन। The court is going to look into this matter, and I am no one to comment on the actions of the Supreme Court, you know, and what they choose to do. I hope they will do their job and provide justice. But this is a deeper problem, right? As I said, if the Prime Minister of India was privy to this information, I'd say it's one thing if you are using Pegasus to find out about terrorism. You're using Pegasus to find out about national security. That's a different issue. There are questions even about that, but that's a different issue. But if the Prime Minister is using this as a personal tool, meaning if the data is arriving on the Prime Minister's desk, then that's totally criminal, right? And we will follow that up. We will make sure that is followed up. Thank you, Raman from News 24. Sarkare, sorry, governments have been dropped, right? Governments have been dropped. In Karnataka, the government was dropped using Pegasus. So. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं। बट ये जो हमारे तीन चार सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए। ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था, और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। बट जरूर जरूर एक अच्छा स्टेप है। थैंक यू सर। आज तक No,
this issue is the opposite, right? This is an issue where the government of India is attacking the national security of the country, right? Our data, Indian data, data especially of senior people being handed to a foreign country is an attack on the national security of this country. So if it is true that this data is held outside India, data of our chief election commissioner, our opposition leaders, our chief minister is held outside India, then the government of India has attacked India itself. So there's no question of hiding behind national security. This is national security. They are attacking national security. Thank you, sir. Ashish.